और ये दोनों नस और साथ मिलकर के पूर्ण हिस्से बना। अब रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से देखें कि क्या हो रहा है। अभिक्रिया के दरमियान हमारे जो अभिकारक थे वो समय के साथ घटते चले गए। अभिकारक की सांद्रता मान लिया जाए कि यहाँ थी तो समय के साथ घटते चला गया, और जो अभिक्रिया का मान कहता है कि समय के साथ में घटता ही जाना अभिकारक, लेकिन प्रतिफल का मान समय के साथ बढ़ते चला गया। और एक वैल्यूज, एक समय ऐसा आया है जिस समय पर क्या हो रहा है कि जितना अभिकारक घट के इस प्रोडक्ट को बना रहा है उतना ही अभिकारक को प्रोडक्ट खुद में मिलकर बना। समझे, जिस दर से हमारी आगे की अभिक्रिया चल रही है, फॉरवर्ड अभिक्रिया चल रही है, उसी दर से बैकवर्ड अभिक्रिया चल रही है, तो उस केस में हमें क्या होगा तो समझा। उस केस में किसी भी देखने वाले रिएजेंट को यह लगेगा कि ना तो इसका मात्रा बदल रहा है और ना तो इसका मात्रा बदल रहा है, क्योंकि जितना ये खपत हुआ उतना ही ये अभिक्रिया में बना रहा। मतलब एक समय, वो समय जिस इक्विलिब्रियम टाइम, साम्य टाइम पर जब क्या होगा कि दोनों की सांद्रता फिक्स हो जाएगी, उस समय के बाद उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि शुरुआती समय पर देख रहे थे कि हमारे अभिकारक के जो रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घट रही थी और प्रोडक्ट चूंकि बनना शुरू हुआ बढ़ रहा है, लेकिन एक समय आने के बाद दोनों अपनी सांद्रता को वही बरकरार रखकर कोई बदलाव नहीं। इस स्थिति को बोलते हैं साम्य स्थिति या इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस साम्य स्थिति पर, साम्य स्थिति, अब इस साम्य स्थिति पर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर इस साम्य स्थिति पर लॉ ऑफ रिएक्शन के हिसाब से नियतांक लिखने जाए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा जो होगा इक्विलिब्रियम नियतांक जो जिसकी वैल्यू लिखने पर है, तो उसे लिख पाएंगे हम लोग सी के पावर गामा डी के पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय ए के पावर अल्फा और बी के पावर बीटा। हाँ, ये अगर आप में से ये कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो कि किस तरह से इसे लिख दिए, तो ये क्लास 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम का सेक्शन है। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के को नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो अभी के लिए ये मान लें कि ये वैल्यूज को हमने सही लिखा है। जल्द ही हमारे साथ हम आप लोगों के सामने केमिकल इक्विलिब्रियम्स के भी वीडियोज रखे हैं, वहां पर इसे बताया जाएगा किस तरह से लिस डेलियर प्रिंसिपल और लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करके इस कॉन्सेप्ट को लिखा गया। तो अब समझे कि ये जो है हमारा साम्य नियतांक जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसे हम लोग लिखते हैं केसी। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज केसी को हम लिख रहे हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ सी गामा, कंसेंट्रेशन ऑफ डी डेल्टा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए अल्फा और कंसेंट्रेशन ऑफ बी बीटा। अब है कि इस अगर ऐसे समीकरण जो साम्य स्थिति में चले जाते हैं, तो साम्य स्थिति के लिए अगर सेल बनता है ऐसी स्थिति से, तो हम उसके साम्य नियतांक को कैसे प्राप्त करें। तो आप समझ ले कि अगर इक्विलिब्रियम का रूप इस तरह से है, तो हम लोगों ने लिखा कि सेल के लिए नर्स के अनुसार ये इक्वेशन वैलिड होगा। और अगर इक्वेशन इस तरह से है साम्य स्थिति में, तो हम इसके लिए भी जो इक्वेशन लिखेंगे वो सिमिलर ही होगा, क्योंकि E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय N लॉग, और हमने प्रोडक्ट बाय दिए, इसे जानबूझ के हमने सेम लिखा है ताकि हमें फिर से कंफ्यूजन ना हो दोनों कॉन्सेप्ट को मैच करने में। और अगर साम्य स्थिति पर नियतांक की बात करें, तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय N लॉग, और आप देखिए ये सारा वैल्यूज ही केसी है, मतलब जिसे साम्यनियतांक कर रहे हैं, और यहां से केसी को फाइंड कर सकते हैं जो हमारा साम्यनियतांक था। ठीक है, तो ये हमारा रहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। एक अगर हमारे पास सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो हम नर्स इक्वेशन को एक ओवरऑल रिएक्शन के लिए पहले लिख रहे हैं। उस ओवरऑल रिएक्शन के हेल्प से हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन। उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए हम देख रहे हैं कि नियतांक वैल्यूज जो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से लिखा गया है,
प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट कोएफिशिएंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। तो ये हमारी कांस्टेंट हुए जो कि कंसंट्रेशन के टर्म्स में दी है, तो ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो Kc। और यही हमारे इक्वेशन में रिप्लेस करके हम यहां से सीधे निकाल सकते हैं कि ये हमारा साम्य कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। अब हम वैल्यूज को देखेंगे जो आगे है, वैल्यूज को थोड़ा सा इस अब आगे देखिए कि इस इक्वेशन जो हमारे लिए साम्यतांक के रूप में आया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग केस। अब एक और बात, अगर कभी भी बैटरी के अंदर सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पहुंच जाए, मतलब कि ना तो वो किसी प्रोडक्ट के अमाउंट को बढ़ा रहा है ना तो किसी रिएक्टेड के अमाउंट को बढ़ा रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड के रेट की रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों अगर सेम है, तो इस केस में होगा क्या कि हमें जो ओवरऑल सेल की जो पोटेंशियल है, सेल की जो विभव मिलने वाला है वो मिल जाएगी जीरो, क्योंकि यहां पर कोई भी सेल वर्किंग में नहीं हो सकता जिसमें किसी भी तरह के किसी अमाउंट का ना तो डिसइंटीग्रेशन, मतलब ना घटना हो और ना ही बनना संभव। तो अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय इन लॉग केस, और यहां पे आप लिख सकते हो लॉग केस इक्वल टू इन बाय 0.059 ई नॉट सेल। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला रहा जिससे हम लोग साम्यतांक के वैल्यूज को सीधे रूप से अपडेट कर सकते। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा रिकैप कर ले क्योंकि ये मिक्स करके हिंदी इंग्लिश मीडियम को ले रहे हैं। तो हमें ये जो जानना था, पहले चीज इक्विलिब्रियम क्या है, तो इक्विलिब्रियम क्या है कि वह कंडीशन वह पोजीशन जब रिएक्टेंट के बनने का रेट और प्रोडक्ट के बनने का रेट बराबर हो, मतलब कि रिएक्शन दोनों तरफ से काम करे कि वो प्रोडक्ट भी बना रहा है और प्रोडक्ट फिर से मिलके रिएक्टेंट बना रहा है, मतलब अभिकारक प्रतिफल को बना रहा है और प्रतिफल फिर से मिलके अभिकारक को बना रहा है, तो ऐसे कह रहे हैं इक्विलिब्रियम, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं साम्यावस्था। और साम्यावस्था में आपको ना तो अभिकारक के अमाउंट को घटता हुआ दिखेगा और नहीं तो प्रोडक्ट का, क्योंकि दोनों ही एक ही दर से चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये समस्या साम्यावस्था के साथ रहती है कि दोनों में अगर कोई भी अमाउंट किसी भी तरह से ना घट रहा है ना भर रहा है तो उस समय सेल में कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगी। तो नर्स इक्वेशन के हिसाब से लिखे गए इक्वेशन में सेल की पोटेंशियल को जीरो कर दे तो जो मानक वैल्यूज है, स्टैंडर्ड सेल वैल्यूज है, उसके साथ हमें रिलेशनशिप मिल गया और ये केसी जो है जिसे हम बोल सकते हैं साम्य नियतांक या फिर इंग्लिश में जिसे बोल सकते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे हम लोग डिटेल में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम को जब पढ़ेंगे तो उसे इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, या फिर जो बच्चे 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लासरूम में उन्हें ये सब आइडिया होगा कि ये क्या चीज है। थैंक यू।